59,000 शिक्षक भर्ती मामले पर हाई कोर्ट की प्रतिक्रिया आते प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, जहां इस फैसले के बाद राजनीति और योगी सरकार को विपक्ष घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में आपको बताते चलें कि लड़ाई की जड़ आखिर है क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों 59,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने 3 महीने में नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश से जहां प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं 4 वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। इसको लेकर के यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री का बयान भी साजिशाना है। पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे और जब युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़ करके लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया तो अपने हमदर्द साबित करने के लिए आगे आकर खड़े हो गए। ये कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के साथ नहीं है, वो तो ऐसा करके भाजपा के अंदर अपनी राजनीति की गोटी खेल रहे हैं। वो इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जिनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो मानी अंदरूनी राजनीति के इसके खेल को समझ रहे हैं। शिक्षा और युवाओं को भाजपा अपनी आपसी लड़ाई और नकारात्मक राजनीति से दूर ही रखे, क्योंकि भाजपा की ऐसी ही सत्ता लोलुप सियासत से उत्तर प्रदेश कई साल पीछे चला गया है। अब इस पोस्ट के बाद यूपी के डिप्टी सीएम तिलमिला गए हैं और अखिलेश यादव को जवाब देते हुए सीधे पीडीए पर हमला बोला है और कहा है सपा बहादुर कांग्रेस मोहरा। अखिलेश यादव का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनी है। सपा लोकसभा चुनाव में जैसे संविधान खत्म हो जाएगा का दुष्प्रचार किया, उसी प्रकार पीडीए का झूठ फैला रहे हैं। भाजपा ही भविष्य है, 2027 में 2017 दोहराएंगे। अब इस तंज में पिस जाना तो जनता के लिए आम बात ही है, क्योंकि जब दोबारा से परिणाम निकालने की बात कही गई है तो पद पर कार्यरत रहने वाले शिक्षकों की टेंशन भी बढ़ गई है और इसी के चलते ही जब राजनीति शुरू हुई तो मुद्दा और गर्माते हुए दिख रहा है और लगातार सियासत का पारा चढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सवाल तो उस जनता का है, सवाल 59,000 शिक्षक का है जिनकी पहले भर्ती हुई, परिणाम आए, फिर परिणाम के बाद हुआ कि अब फिर से परिणाम आएंगे, लेकिन वो जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं अब उनका क्या। बहरहाल इस मुद्दे पर सियासत किस तरीके से गरमा रही है वो आपके सामने।